नमस्कार, फैक्ट चेक के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का कुछ दिन पहले के लोकसभा भाषण में एक नया वर्ड उभर कर सामने आया, आंदोलन जीवी। अब इस जीवी वर्ड को हमने उठा लिया और फिट कर दिया डिजिटल के साथ, यानी बन गया डिजिटल जीवी। अब ये डिजिटल जीवी वो लोग हैं जो इंटरनेट पर ऐसी खबरें फैलाने का काम करते हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं। एक तस्वीर उठाई, उसको तोड़ा मरोड़ा, उस तस्वीर को कोई नई हेडलाइन दे दी और बस बन गई खबर और सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए बिल्कुल तैयार। Okay, I'm ready. और इन खबरों को हम पत्थर पर लकीर मान लेते हैं बिना ये जाने समझे कि क्या सच है और क्या झूठ। अफसोस तो इन खबरों से इस बात का होता है कि इनमें कई बार नामी गिरामी हस्तियां भी बल्कि आम जनता भी शिकार हो जाती है। आइए करते हैं एक फैक्ट चेक ऐसी ही एक खबर का। सारी दुनिया जानती है कि किसान आंदोलन की क्या अहमियत है। अब ऐसे में कई खुराफाती दिमाग अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। स्पाइडर भी तो क्या बोल रहा है? नहीं। इस मुहिम को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उनमें से एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान वहां मौजूद किसानों और लोगों में शराब बांटी जा रही है, या यूं कह लीजिए कि शराब पिलाई जा रही है। जिस आंदोलन को अपने भाषण में नरेंद्र मोदी साहब पवित्र कह दें और ऐसी पवित्रता को भंग करने के लिए ये सब किया जाए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई जनाब। हमने इस वीडियो का सच निकाला तो पता चला कि इस वीडियो को रेणुका जैन ने अपलोड किया था जिसको 96,000 व्यूज मिले। ये वीडियो सुनामी की तरह फेसबुक और ट्विटर पर फैल गई, लेकिन बात व्यूज की नहीं सच्चाई की है जनाब। इस वीडियो की सच्चाई को हमने और खंगाला तो पता चला कि इस वीडियो का न तो किसान बिल से कुछ लेना देना था और न ही किसान आंदोलन से। तो फिर ये वीडियो आया कहां से दया, आया कहां से? ये कुछ और ही चक्कर है। हमारी टीम ने इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट किया तो हमने देखा कि ये वीडियो पिछले साल यानी अप्रैल 2020 को अपलोड हुआ था। इसी वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि लॉकडाउन में गरीबों को बांटी गई बियर और दारू। जब तक तू मेरे को स्ट्रांग बियर नहीं देता, आपको निकल ही खड़ा है। पर आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हो चुका था। इस वीडियो के बारे में काफी छानबीन करने के बाद हम ये तो पता नहीं लगा सके कि इस वीडियो की लोकेशन क्या थी, लेकिन हाँ ये हमने जरूर पता लगा लिया कि यह वीडियो अप्रैल 2020 की है, जो कि किसानों के बिल पास होने से बहुत पहले की है। राजीव यार, I'm done. इस वायरल वीडियो का पर्दाफाश हुआ तो कुछ बातें हमारे सामने आई। पहली ये कि ये वीडियो इंटरनेट पर इसलिए सर्कुलेट की गई यानी शेयर की गई ताकि किसानों के विश्वास को आम जनता में चूर चूर किया जाए। दूसरी बात, किसानों की इस मुहिम को धार्मिक संगठनों के साथ जोड़ा जाए। और तीसरी बात, कैसे भी करके इस मुहिम को फेल किया जाए। दोस्तों, मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। क्या बात है, अगले हफ्ते मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को आराम से देखिए, लेकिन जल्दी देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, आज के इस फैक्ट चेक एपिसोड को आप सिर्फ लोकल ही नहीं ग्लोबली भी शेयर कीजिए ताकि इस झूठ का पर्दाफाश दुनिया भर के लोग देख सकें और उन्हें पता चले कि कैसे सच का गला घोटने के लिए ये शरारती डिजिटल जीवी क्या कुछ नहीं कर सकते। भाई असलियत है, दूर तक लग जानी चाहिए।